हमने तो धोखा दे दिया, पर अब हमारी नानी हमारा काम करेगी। वो खुद जाकर हमारे प्यार के बारे में शिव से बात करेगी। अगर प्यार करने की हिम्मत है, इकरार करने की हिम्मत भी रखो ना। हम में इतनी शक्ति है कि अपने दिल की बात कहने के लिए सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं हमें। हम खुद जाएंगे और शिव से बात करेंगे। हिम्मत है तो रोक के दिखा देना हमें। अनन्या, मम्मी, शिव के पास जा रही हो? हाँ मम्मी, हमें शिव से अपने दिल की बात कहनी ही होगी। इतनी क्या जल्दी है अनन्या, उससे भी तो प्यार का एहसास होने दो। पर अब हमारे लिए ना इन एहसासों को कैद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक हम उसे कह नहीं देते ना कि हमारे मन में क्या है, हम ऐसे अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। इसलिए प्लीज मम्मी, प्लीज मत रुकिए ना। समझ रहे हैं अनन्या, रोकेंगे नहीं तुम्हें, पर अभी रात हो गई है, कल सुबह जाके बात करना। मंडाली का पान खा के आप तो जानते हैं, दूध उल्टे नहीं है। अरे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, हम बता रहे हैं। ना ना अम्मा, तुम्हारे फैसले पर तो हमें पूरा यकीन है अम्मा, कोई शक नहीं, पर वो शिव, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। अरे वो इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमने उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं। एक बार अम्मा जी आप उससे पूछ के देखिए, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमसे गलत नहीं कहेगा। 100% की बात कर रहे हैं जमाई बाबू आप। अरे हम तो ये सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि में क्या दीमक लग गया जो इतनी सी बात हमारे दिमाग में नहीं आई। शिव और केत की, आहा, शिव पार्वती जी की जोड़ी है। और सबसे बढ़िया बात जमाई बाबू, हमारे तारनहार हमेशा हमारे पास ही रहेंगे। हाँ? तो बस अब तुम मंगल कार्य की तैयारी करो। लो रख और खुश रह। अरे भाग्यवान, इस रिश्ते से हमारी बेटी तो खुश रहेगी ही रहेगी, और ये जो रिश्ता है ये इस घर की तिजोरी का, इस घर के पूरे जायदाद की चाबी है। चाबी इंसानों के भगवान, तू तो नीरा भोला निकला रे। मैं इंसान क्या बनी, मैं तो तेरी फेवरेट हो गई। मेरी सारी परेशानी अपने आप ही सुलझा रहा है तू। अनन्या 4 दिन रोएगी, पर फिर मैं उसे मना लूंगी। ये शिव केतु के गले बन जाएगा और मेरी सारी परेशानी अपने आप ही हल हो जाएगी। हमारे ये नहाने चले गए, तौलिया तो बाहर ही गिरा गए। कोई बात नहीं, उनकी होने वाली बीवी हैं हम, तौलिया देने के बहाने उनके 6-पैक देख लेंगे तो क्या हर्ज है। ये केतु यहाँ पे पहले से कुंडली मार कर बैठी है, अब कैसे बात करेंगे हम शिव से।
अरे क्या मजाक है ये? अरे टॉवल कहाँ मेरा? देखो मुझे ये घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, जो भी है प्लीज मेरा टॉवल मुझे वापस करें। और हंस क्यों रही हो तुम? अपनी बदतमीजी दिखाना बंद करोगी तुम? सब एक रूटीन सा हो गया, मतलब हमारा मिलना गिरना लड़ना झगड़ना, अभी मुंह फेर कर चले जाना। कहीं ये महादेव का कोई संकेत तो नहीं है? भी पुष्टि कर दी कि हमारा यह मिलना लड़ना झगड़ना एक संकेत ही है। पता है गंगा आरती का मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त होता है, और इस मुहूर्त में जो मांगो जिसे चाहो वो मिलता है।
इसलिए हम डिसाइड किए हैं कि हम तुमसे हमारे दिल की हाथ क्या कर रही हो तुम? नमस्ते, क्या हो तुम अपने आप को? तुमसे बात कर रहे थे ना हम, फिर चलकर क्यों आ गए ऐसे? देखो नन्हे, लेकिन आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। ये जो हम यूं लड़ते हैं झगड़ते हैं, यूं ही नहीं है। मैं यकीन है कि इसमें महादेव का कोई इशारा है कि आज नहीं तो कल हमारी तकदीरें एक होने वाली हैं। कहते ना कि लड़ाई ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है। तुमसे यूं लड़ते झगड़ते ये तुम्हारे साथ ही सीनियां चढ़ते हुए हमें तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। शिव, पहले जिन आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा था, अब उन्हीं आंखों में अपने लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं पाओगे तुम। इतना चाहने लगे हम तुम्हें। हम जानते हैं कि ये एक तरफा नहीं है। तुम भी हमारे लिए यही सब महसूस करते हो ना? प्यार करते हो ना हमसे शिव? हाँ, करने के लिए एक दूसरे को जानते ही कितना है आप, पर ये इन फिल्मों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। इसीलिए हमारी हरकतों को और हमारी इंसानियत को तुम प्यार समझ बैठे हो। चीजों को प्रैक्टिकली लेना शुरू करो, तब जाकर हकीकत दिखेगी तुम्हें। शिव बेटा, तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर छुप जाओ, मैं देखता हूं। दादी, आप दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे क्या? जी, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए आइए, बैठिए। नहीं बेटा, हम ठीक हैं। कुछ काम था आपको? बेटा काम तो था, और कुछ ऐसा था कि अगर तुम्हें बुलाते तो अच्छा नहीं लगता। बेटा ये कहना था कि जब से तुम हमारे घर में आए हो, हमारे घर में खुशियों का भंडार हो गया है। और तुम हमारे ही तारनहार नहीं हो, हमारे पूरे परिवार की ढाल बन गए हो। तक तुमने हमारी हर बात मानी है और अपनी दादी समझ के हमारी इज्जत की है, तो बस इसी उम्मीद से एक विनती करके आए हैं तुमसे। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए। और आप खड़ी क्यों, बैठिए ना, बैठिए जी। बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी बिटिया का हाथ थाम लो। हम वचन देते हैं
कि हम शिव से बात करेंगे और हर कीमत पे तुम दोनों का ब्याह करा के रहेंगे। हम वादा करते हैं अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हमारा खून है वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने सर आंखों पे रखेगी। हमारी केतु की तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। हमें उम्मीद थी कि तुम हमारी बात नहीं टालोगे, इसीलिए हम ये सब लाए। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ये ले लो। बेटा अनन्या बहुत जिद्दी है, अपने प्यार का इजहार तो कर दिया उसने पर मैं चाहकर भी अपना नहीं सकता उसे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हूं मैं। अगर मैं दादी की बात मान लूं तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगी, वरना मुझे कमजोर करके ही मानेगी वो, और मैं चाहकर भी उसे कभी नहीं कह सकता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। हमारी केतु का सबूत ले लो। ठीक है दादी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगे रिश्ते के लिए। हे भोलेनाथ, इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखना इतनी खुशियां दे कि बस इनकी झोली भी छोटी पड़ जाए। चलो हम चलते हैं जी। बस बेटा तुम बैठो। करते हो से शादी करना चाहोगे? दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी की अभी ना मैं शगुन वापस लेकर आओ दादी को। हमसे बुरा कोई नहीं होगा शिव। शिवम तुम देखो तुम बहुत ही कौन मुझसे ऐसे बात करने वाली? किसने दिया तुम्हें हक मुझसे ऐसे बात करने का? नहीं दूंगा शगुन वापस जाकर किसी को भी। मुझे केतु से शादी करनी है।